तो गाइस फाइनली आई एम एट हमता विद माय डोमिनार 400 भाई पहुंच गई किसी तरह। रास्ता नहीं, आप पीछे देख सकते हो, पता नहीं कैसे कैसे पहुंचाया मैंने, बट पहुंचा दिया है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और यहां से मैं जा रहा हूं आज हमता विलेज। पहले हमता विलेज का एक काम है उसको कंप्लीट करेंगे, और हमता विलेज जाने के बाद आज ही हम लोग चले जाएंगे शानगढ़। तो पर ये वाला ब्लॉग जो है इट इज़ ऑल अबाउट हमता विलेज। तो अगर आप मनाली आते हो और हमता विलेज घूमने जाने का प्लान कर रहे हो तो भाई ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम को आने वाला है, तो वीडियो लास्ट तक देख लेना। बाइक में कितना सामान लग रहा है, अनलोडिंग देखो आप कितनी सारी है। और अभी इसको बाइक तक पहुँचाते पहुँचाते भी टाइम लगना। अरे भाई मत होना बंद, रुक जा। हाइड्रो पावर लिमिटेड की रोड है ये, यहाँ पे फैक्ट्री है, तो ये कोई गवर्नमेंट रोड मतलब एक फैक्ट्री की अपनी पर्सनल रोड है, तो वो यहाँ पे आने का रोड टैक्स ले लेते हैं जब भी आप आते हो। ये मतलब 24 आवर्स का रोड टैक्स होता है, तो वो लेते हैं ये लोग, और उस हिसाब से आपको आना जाना करना पड़ता है इधर। और मनाली आए और हमता नहीं आए हो, मैं आपको एक बहुत ही तगड़ी बात बताता हूँ, पता है? आप मनाली आते हो और आप बोलते हो यार अब कश्मीर जाना है ना, बोलते हो ना यार कश्मीर जाऊंगा यार, कश्मीर अलग है यार, कश्मीर की फीलिंग ही अलग है। भाई तुमको सच बता रहा हूँ, हमता जो है ना वो किसी कश्मीर से कम नहीं है। मैं आपको हमता ऊपर जाके दिखाऊंगा, आप देखते रह जाओगे कि यार ये तो कश्मीर लग रहा है पूरा, आपको लगेगा कि गुलमर्ग या सोनमर्ग जैसी जगह है कोई, मजाक नहीं सच्ची, इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी, आपको मजा आ जाएगा देख के। तो गाइस ये रहा अपना ग्लैम्पिंग क्लब इंडिया जो कि अभी आपके जस्ट ऊपर सामने दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से ना शानगढ़ है 93 किलोमीटर, मतलब यहाँ से तो अब 100 किलोमीटर से ऊपर ही होना है, उससे कम तो नहीं होना है। पेट्रोल कितना है पहले वो देखूँ, चलो पेट्रोल तो डलाना ही पड़ेगा मुझे खैर, बट ये है कि मैं अच्छा एवरेज निकालने की पूरी कोशिश करूँगा। मैं 100 के आसपास ही चलूँगा, उससे ज़्यादा चलने का कोई मतलब ही नहीं है। ओ भाई 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 भाई, हॉर्न मार रहे, देख क्या रहा है, इतनी बड़ी यार इतनी बड़ी गाड़ी लेके आते हैं फिर भी हॉर्न नहीं मारता। और भाई लोगों ने तो पूरा मेकअप कर दिया भाई, पूरा मेकअप हो जाएगा ऊपर तक, तो यार वो बंदा रुक ही नहीं रहा है, वो लगा हुआ है भू भू करके चलने में और मिट्टी उड़ाने में। आई डोंट लाइक इट गाइस, आई डोंट लाइक इट। नाइस, थैंक यू सो मच, आपने हमारी बात सुन ली। तो ग्लैम्पिंग क्लब इंडिया देखो यार, ये कितना सुंदर लगता है यार बाहर से ना, जब दूर से देखोगे ना इट विल लुक सो सो ब्यूटीफुल, और अंदर जाओगे तो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। इट इज़ अ वर्थ इट प्लेस यार, अगर आप आते कभी नहीं आए हो ना ग्लैम्पिंग क्लब इंडिया या फिर ऐसे डोम स्टे में, तो भाई जहाँ मौका मिले आ जाओ। अब ग्लैम्पिंग क्लब इंडिया में ही आना है तो वहीं आ जाओ, मज़ा आ जाएगा आपको। देखिए भाई जैसे मैंने आपको बताया कि कश्मीर वाली भाई बाइक, आपको घोड़े मिल जाते हैं भाई, जंगली घोड़े एकदम घूम रहे होते हैं मज़े से इधर और दौड़ रहे होते हैं, इतनी सही लगता है ना, ऐसा लगता है किसी फॉरेन लोकेशन में आ गए हो, स्विट्जरलैंड वगैरह। बट मैंने एक चीज़ नोटिस की है भाई यार, अपने इंडिया वाले घोड़े ना यार उनके ऊपर वो लगा रहता है यार, गोबर लगा रहता है यार, पर स्विट्जरलैंड वाले घोड़ों की वीडियो देखो ना भाई, एकदम ऐसा लग रहा होता है कि परफ्यूम लगा के आए हैं भाई, एकदम वीडियो के लिए पहले तैयार होते हैं फिर वो उनकी वीडियो बनती है, और लोग नेचुरली बनाते हैं और भाई एकदम साफ़ सुथरे होते हैं भाई, सफ़ेद सफ़ेद लंबे लंबे बाल, एकदम शैम्पू कंडीशनर किए हुए भाई, अपने वालों को देखो एकदम गरीब लगते हैं भाई, अच्छा नहीं लगता देख के यार। और ये आ गए हम लोग हमता विलेज, दिस इज हमता विलेज गाइस। और अब बताए मेरा हाथ जमने लग गया है, हाँ भाई धूप में भी जमने लग गया है, इतनी ठंड है अभी भी इधर, ऊपर तो ठंड होती है सर हमता में तो इतनी ठंड होती है ना भाई, यहाँ पे यही है, यही तो वो जगह है जहाँ पे आपको जो नहीं होते इग्लू स्टे बनाते हैं लोग, इग्लू स्टे बनाते हैं फिर बाहर के लोगों को यहाँ इग्लू स्टे में रुकवाते हैं। तो ये रहा छोटा सा हमता विलेज, और यही है यहाँ का छोटा सा मार्केट। हमता में जो मार्केट है वो इतनी सी ही है जितनी आपको दिख रही है कैमरे में, बस इतनी है, जब यहाँ पिज़्ज़ा खा सकते हो। बट हाँ मैंने एक चीज़ सुनी, हमता के कैफेज़ बड़े अच्छे हैं, मतलब दे आर रियली नाइस। और यहाँ पे इन लोगों ने देखो फ्लैग वगैरह लगाया हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है, मज़ा आ गया देख के। बट ये है कि हमता के आगे जाना है, थोड़ा सा विलेज है, विलेज से आगे जाओगे तब आपको पूरी वो एकदम रियल कश्मीर वाली जो वाइब है ना वो आएगी, और फिर आपको लगेगा कि यार ऊपर आना। भाई ने सही बोला था, भाई को सब्सक्राइब पक्का कर लेंगे हम, बट ऊपर आना एकदम ही वर्थ इट है। ये देखो आप खुद देखो यार, मैं क्या ही बोलूँ, पूरी कश्मीर लगता है भाई, ऐसा 1% नहीं लग रहा, ऐसा लगता है गुलमर्ग जा रहा हूँ बस,
सीरियसली गुलमर्ग का रास्ता भी एकदम एग्जैक्टली ऐसा ही होता है, बस थोड़ा सा इससे वाइड है रास्ता, मतलब जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है थोड़ी सी, बाकी एकदम भाई सेम, एकदम सेम भाई, एकदम सेम, 1% का डिफरेंस नहीं होता। यहाँ देखो लोग खड़े हैं, एंजॉय कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं भाई। अरे वाह तो भाई हाथ जम रहे हैं, पर पता मेरे ठंडी लग रही है भाई, धूप में आ जाऊँ जल्दी जल्दी सो डैट हाथ मेरे। भाई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं भाई, बढ़िया है यार, एकदम जबरदस्त भाई, जबरदस्त मजा आ गया। देखो ये ट्रक कितना सही है फोटो खिंचाने के लिए, उसमें ग्रफिती हो रखी है, ग्रफिती बोला मैंने, ग्राफिटी। कुछ लोग आ जाएंगे ज्ञान देने मुझे अभी कमेंट सेक्शन में, ब्रो इट इज नॉट ग्रफिती इट्स ग्राफिटी। तो मैं क्या करूं भाई, हम हिंदी इंग्लिश वाले लोग हैं, हम इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते हम लोग, बोलते हैं इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर बोल देते हैं हम लोग। ओ भाई ये क्या है, अलग अलग टाइप के भाई यहाँ पे वो दिखते हैं यंत्र। तो भाई लोगों ने बोला कि भाई वहाँ एक बड़ा पत्थर है, आप वहाँ तक जा सकते हो, उसके आगे नहीं जा सकते हो, तो भाई चलो हम चल देते हैं वहाँ तक। बट एक्चुअली पता दिक्कत क्या है, ये लोग हैं विदाउट लोडेड, मैं हूँ फुली लोडेड। ओ भाई साहब खड़े हो जाते हैं भाई, खड़े होने में ही समझदारी है, सैडल कर लेते हैं क्योंकि ऐसे तो मैं पहुंच ही नहीं पाऊंगा, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो रही थी यार, अब हुआ है इजी, अब इजी हुआ है और अब मैं निकल रहा हूँ एकदम सट्टम सट। भाई यहाँ तो रास्ता ही नहीं है, ओ गॉड, ओहो, रास्ता है वैसे बट पता है डोमिनार वाला रास्ता नहीं है, ये हिमालयन और वो वाला रास्ता आ गया। अब क्या कहते हैं कौन सी है यार वो, अपन कहाँ लगाए भाई, अपन यहीं लगा देते हैं क्योंकि तो भाई ने हिमालयन यहाँ लगाई हुई है, अपन यहाँ लगा लेते हैं पत्थर के पास। भाई बाइक ब्रेक ही नहीं बज रहा, ब्रेक ही नहीं बज रहा, बाइक स्लिप हो रही है भाई, भाई इसके आगे मेरे को लग रहा है डर, क्योंकि अगर इसके आगे ये गिर गई ना ऐसे करके आगे जरा सा भी चली गई तो भाई बिल्कुल ही नीचे ऐसे ऐसा ही है, कैमरे में नहीं पता लगेगा वैसे। तो गाइस दिस इज हमता पास और आप बाइक देखो मेरी कितनी लोडेड और मैंने कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचा दी है यार, इट इज़ सो अमेजिंग। और ये रही हिमालयन, मुझे लग रहा है ये लोग भी यहीं तक आए हैं, इसके आगे आने को अलाउड नहीं है, थक भी गया हूँ यार बाइक चला चला के मैं, मतलब इट वॉज सो डिफिकल्ट इतने याले रास्ते पे आना ना, इट वॉज रियली रियली डिफिकल्ट एंड हिमालयन इज लुकिंग रियली ग्रेट इस कलर में। बाकी मुझे बाइक चलाने में इतनी कुछ खास पसंद नहीं आती है वो, तो दिस इज हमता पास और पूरी कश्मीर वाली वाइब है। ये देखो आराम से आप यहाँ आओ भाई, सुबह आओ रात तक पिकनिक मना के जाओ भाई, रात तक पिकनिक मना के जाओ, इधर कितना अमेजिंग लगेगा इधर। तो गाइस फाइनली आई एम एट हमता विद माय डोमिनार 400 भाई, पहुंच गई किसी तरह, रास्ता नहीं आप पीछे देख सकते हो, पता नहीं कैसे कैसे पहुंचाया मैंने बट पहुंचा दिया है और बहुत ज्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, पूरा कश्मीर की फीलिंग। और यहाँ मैं बिल्कुल अकेला हूँ भाई, एक जिंदा इंसान दिखने को तैयार नहीं है मुझे, अभी तक तो नहीं दिख रहा है, अब बाकी मुझे नहीं पता। वहाँ पे ऊपर थोड़ी थोड़ी बर्फ़ गिरी हुई है, मुझे लग रहा है लोग बर्फ़ को ट्रैक करके गए हैं बर्फ़ की तरफ, तो मैं तो नहीं जा सकता क्योंकि मेरी बाइक लोडेड है, लैपटॉप वैपटॉप सब बाइक में है, तो आई कैन नॉट गो ऑफकोर्स। बट भाई यहाँ तक आया मैं, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे, और यही है जहाँ पे इग्लू स्टे वगैरह ये सारे दिखाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप मनाली आते हो ना, प्लीज़ डोंट मिस हमता, प्लीज़ डोंट मिस हमता एट ऑल। इस हमता पास में अभी मैं 10-15 मिनट रुकूंगा आराम से, उसके बाद रेस्ट करूंगा थोड़ी देर। भाई पीठ की बैंड बज गई है क्योंकि ऑफ रोडिंग इतनी ज़बरदस्त थी, और अपनी भाई पैंथर कहाँ आ गई है आज, ये देखो, देख रहे हो इतनी ज़बरदस्त सेंस ऑफ अचीवमेंट टाइप की फीलिंग आई ना, मज़ा आ गया भाई। दो और बाइकें आई हुई हैं बट मुझे नहीं लगता कोई इतनी लोडेड बाइक लाने की हिम्मत कर पाएगा भाई, वो भी ऐसे ट्रेल पे। रास्ता देख रहे हो, रास्ता कुछ नहीं, हिमालयन का टायर आधा दबा हुआ है अंदर। तो गाइस भेड़ आ चुकी है हमारे से मिलने, और एक नहीं है भाई, वो देखो वहाँ पे भाई आ रहा है बाइक लेके अपनी, सही लग रहा है ना, एकदम जबरदस्त भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ गया देख के, बहुत खूबसूरत जगह है भाई, मज़ा ही आ गया देख के, इट्स रियली ब्यूटीफुल। ये भाई हैं, हाय, हेलो, कैसे
ख्याल करो। बढ़िया भाई बढ़िया। आपने मेरी वीडियो बनाई थी ना, एयर ड्रॉप कर दो यार। ये कर देंगे, इसका करते हैं, आप करते हैं। आ जाओ आ जाओ। तो भाई को बोला तो मैंने एयर ड्रॉप करने के लिए, भाई कैसी जगह लेके आ गया भाई, भाई देख रहे हो। कोई व्लॉग किसी भी रीज़न से पसंद आया है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के बिना मत जाना, और अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो वही बता दो भाई, कमेंट कर देना बस, और अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर लेके। तो चैनल सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स वालों के साथ शेयर करो। टाटा बाय बाय।